नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा गुजरे ज़माने के मशहूर कलाकार शम्मी कपूर और आशा पारेख का है। हिंदी फिल्म जगत की बेहतरीन अभिनेत्री आशा पारेख ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। वो जब 16 साल की थी तभी शम्मी कपूर के साथ उन्हें बतौर हीरोइन पहली फिल्म मिली। आशा पारेख के लिए स्टार शम्मी कपूर के साथ काम करना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना किरदार बखूबी निभाया। शम्मी कपूर आशा पारेख को बेटी की तरह मानते थे और आशा पारेख फिल्म के दौरान सेट पर उन्हें चाचा कहकर पुकारती थी। सेट पर शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली आती थी, वो प्यारी सी आशा को देखकर अक्सर कहती थी कि हम तुम्हें गोद लेकर अपनी बेटी बना लेंगे। इस दिलचस्प वाक्य का जिक्र आशा पारेख ने अनु कपूर को दिए एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि शम्मी कपूर के साथ काम करने का मजा इसलिए आता था क्योंकि वो बहुत समझाते थे कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसा नहीं करो। मुझे लिपसिंग में गाना बिल्कुल आता नहीं था, उन्होंने ही मुझे सिखाया कि गाना आखिर गाते कैसे हैं। उन्होंने आगे कहा था कि मैं शम्मी जी को चाचा कहकर बुलाती थी, उनकी पत्नी गीता जी मुझे गोद लेना चाहती थी। हम शूटिंग कर रहे थे दिल दे के देखो और उस वक्त गीता जी मुझे अपने कंधे पर उठाकर घुमाती थी और कहती थी इसको हम गोद ले लेते हैं। आशा पारेख के लिए एक्ट्रेस बनना आसान नहीं था। उन्हें फिल्म शहनाई में 2 दिन की शूटिंग के बाद निकाल दिया गया था। उनसे कहा गया था कि आप स्टार मटेरियल नहीं हैं, स्टार नहीं बन सकती। इसके कुछ समय के बाद ही उन्हें शम्मी कपूर के साथ फिल्म दिल दे के देखो मिल गई और इस फिल्म के बाद आशा पारेख को खूब पसंद किया जाने लगा। आशा पारेख जिन दिनों स्टार थी उन्हीं दिनों दिलीप कुमार भी अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे, लेकिन दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। दिलीप कुमार के साथ काम न करने को लेकर एक बार आशा पारेख ने कहा था, मैं जिसे पसंद नहीं करती उसके साथ काम भी नहीं कर सकती। जब राजेश खन्ना इंडस्ट्री में नए आए, आशा पारेख को उनके साथ एक फिल्म ऑफर की गई, लेकिन आशा पारेख को राजेश खन्ना की शक्ल पसंद नहीं आई और उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। आशा पारेख का कहना था कि राजेश खन्ना बिल्कुल गोरखा जैसे लगते हैं, लेकिन खैर आशा पारेख की राजेश खन्ना के साथ जोड़ी बनी भी और दाग फिल्म में तो दोनों को खूब पसंद किया गया। इसके अलावा आशा पारेख की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ बनी, दोनों ने साथ में कई फिल्में की, लेकिन आशा पारेख आज बेशक फिल्मों से दूर हैं लेकिन फिर भी मीडिया में, तमाम इंटरव्यूज़ में, तमाम शोज़ में वो आती रहती हैं। बुज़ुर्गों का आशीर्वाद भी नई पीढ़ी को ज़रूरी होता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।